इंडिया का गाय के साथ आलू तो पूरी दुनिया ही जानती है। गाय के दूध को जाया करके गाय के पेशाब को शफा के तौर पर पीना इनके मजहब में शामिल है, मगर आज इंडिया ने सभी हदें पार कर दी। भारत चांद पर तो ना पहुंच सका, मगर पूरी दुनिया के साइंसदानों और एटमी ताकतों को पीछे छोड़ गया। एक इंडियन साइंसदान जिसका नाम शंकर लाल है, उन्होंने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी एटमी हमला करे तो आप सभी की हिफाजत गाय का गोबर करेगा। रेडिएशन से गाय का गोबर बचाता है। मजीद उन्होंने इसका तरीकेकार भी आवाम को बता दिया। उन्होंने कहा कि अपने इर्द गिर्द 1.5 से 2 फुट लंबा घड़ा खोद कर इसमें पत्ते डालकर ऊपर गाय के गोबर की मोटी तह लगा दी जाए, जिसका फायदा कुछ यूं होगा कि एटमी ताकत के असरात तमाम रेडिएशंस गोबर जज़ब कर लेगा और इंसानी जिंदगी महफूज रहेगी। मजीद उन्होंने इंडिया की हिफाजत करते हुए कहा, अगर कोई शख्स सफर कर रहा है तो वो गोबर को अपने जिस्म पर अच्छी तरह लेप ले और इसका भी भरपूर फायदा होगा। अगर आपको मेरी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें और अपनी आंखों से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया इनका ये बयान सुने। और इसी के साथ ही साथ आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फ़ायदा कुछ यूँ होगा कि हमारे कैसा ताल्लुक बरपा होगा कि इन द नियर फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।